वरुण का किस, रुकिए रुकिए, ये अगली लाइन सुनने में कैसी लग रही है? सलमान, वरुण और साजिद नाडियाडवाला का किस? आप कंफ्यूज हुए ना? किस कहने पर आपको भी थोड़ा सा शौक लगा ना? पर हम उस किस की बात नहीं कर रहे हैं। अब आपने कभी सलमान खान को फिल्मों में उनकी को एक्ट्रेस के साथ भी इतना रोमांटिक होते हुए देखा है क्या? तो भला वो वरुण धवन को किस कैसे करेंगे और वरुण धवन भी सलमान खान को किस कैसे करेंगे? वो तो उन्हें हक करने से भी डर जाते हैं। जी हाँ, दरअसल ये मामला है जुड़वां 2 के सेट का। जब फिल्म बनाई जा रही थी तब सेट पर मौजूद थे साजिद नाडियाडवाला, फिर सलमान खान जो फिल्म में कैमियो रोल करने वाले थे, और इस फिल्म के हीरो वरुण धवन। इन तीनों ने एक तस्वीर खिंचवाई थी जिसमें ये लोग कैमरा को किस करने की एक्टिंग कर रहे थे, हम उसे पाउट भी कह सकते हैं। और ये तस्वीर शेयर की साजिद नाडियाडवाला की बीवी वर्धा नाडियाडवाला ने और कहा कि किसेस इज फॉर ऑल, हैशटैग जुड़वा 2, लेट द शो बिगिन। अब जैसे सलमान खान की जुड़वा फिल्म तेलुगु फिल्म हेलो ब्रदर जो 1994 में रिलीज हुई थी उसकी रीमेक है, जिसमें हमारे तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन नजर आए थे। जैसे सलमान ने पहली बार जुड़वा फिल्म में जुड़वा रोल प्ले किया था, तो सलमान की तरह ही नागार्जुन के करियर में उन्होंने भी पहली बार हेलो ब्रदर फिल्म में जुड़वा रोल प्ले किया था। साथ ही साथ नागार्जुन की ये फिल्म जैकी चैन की फिल्म ट्विन ड्रैगन्स पर बेस्ड है, जी हाँ, जिसमें जैकी ने भी पहली बार जुड़वा रोल प्ले किया था। तो वहीं वरुण धवन की 2017 में रिलीज हुई फिल्म जुड़वा 2 में वरुण ने भी पहली बार जुड़वा रोल प्ले किया था। वैसे सलमान खान और वरुण धवन ने राजा और प्रेम ऐसे दो कैरेक्टर्स निभाए, तो जुड़वा फिल्म में जिस चाइल्ड आर्टिस्ट ने यंग राजा का कैरेक्टर प्ले किया था, क्या आप उसे जानते हैं? कभी कभी हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये छोटे कलाकार अब बड़े हो चुके हैं और अब ये क्या क्या करते हैं आपको पता है, समथिंग लाइक दैट। दोस्तों ऐसे वीडियोस देखे होंगे आपने, तो उसमें इस छोटे राजा का नाम भी जरूर आएगा। उस चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम है ओमकार कपूर, जी हाँ, पर अब ये बड़े होकर एक्टिंग की दुनिया में ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी और फील्ड को ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। और आपने इन्हें देखा है प्यार का पंचनामा पार्ट 2 में, हाँ वही फिल्म जिसमें कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा, सनी सिंह जैसे यंगस्टर्स नजर आए थे। तब कार्तिक आर्यन के करियर की जस्ट शुरुआत हुई थी, जिसे लव रंजन ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों ओमकार ने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड डेब्यू किया था और इसमें इनका पैरेलल लीड रोल था। दोस्तों ओमकार ने जुड़वा के साथ साथ हीरो नंबर 1 और जुदाई जैसे फिल्मों में भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है। मतलब देखा आपने, फिल्म देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो न्यू कमर है, पर ऐसा नहीं है, इन्होंने छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू किया था। तो ये थी जुड़वा और जुड़वा 2 से जुड़ी चटपटी खबरें, और अब तो जुड़वा 3 भी आने वाली है। हो सकता है कि इस फिल्म में ओमकार हमें फिर से एक बार नजर आए और साथ ही टाइगर श्रॉफ का नाम भी सामने आ रहा है। देखते हैं कि किस स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म बनाई जाती है। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में बताएं, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।